सत्यमेव जयते की एक कड़ी में डॉक्टरी व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के विषय में चर्चा की गई थी। चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर समित शर्मा ने जेनेरिक मेडिसिन के बारे में विस्तार से बात की थी। तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी है, 117 रुपए में मिलती है। और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1.95 रुपए में 10 गोली मिलती है। शो प्रसारित होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर गतिविधियां शुरू की। राजस्थान को ही इस वर्ष 140 करोड़ रुपए NHM से इस योजना के लिए मिले हैं और अन्य राज्यों को भी, और NHM में इसको शामिल करते हुए राज्यों को ये पत्र लिखा है कि जो भी राज्य ये योजना जो जेनेरिक दवा की जो आवश्यक दवाओं को निःशुल्क देने की योजना है अपने राज्य में लागू करेगा उसको 5% अतिरिक्त धनराशि केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। तो बहुत से राज्यों ने अपने क्लेम कर दिए हैं। नॉर्मली WHO में देशों को ही आमंत्रित किया जाता है, पर राजस्थान राज्य को इस योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया गया। वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ पे जो आसपास के जो देश थे, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, वहाँ से प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने इसमें रुचि प्रकट करी। जेनेरिक दवाइयों ने आम लोगों की मानसिकता पर भी सकारात्मक असर छोड़ा। जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड की संख्या जो, क्योंकि पहले गाँव वाले और शहर वाले भी बेटे को ज़्यादा मानते थे, बेटी को कम मानते थे, तो बीमार होने पे बेटे को तो इलाज के लिए लाते थे, बेटी को नहीं लाते थे। तो अब निःशुल्क इलाज होने से जो बेटियां हैं उनको इलाज के लिए भी लाने लगे हैं। एक छोटा हमने सर्वे कराया, इसमें करीब उनकी जो संख्या है वो 86% तक बढ़ गई है। इसी प्रकार जो बूढ़े माँ बाप थे उनको ऐसा मानते थे भाई अब इनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है तो इनका उपचार ना कराएं, उनकी मजबूरी भी थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, बट उनके उनको भी इलाज के लिए अस्पतालों में लाने लगे। दवा उपलब्ध कराना एक आधा काम है, दवा उपलब्ध हो और डॉक्टर उसको लिखे भी और मरीज को प्राप्त करे तभी मरीज को फ़ायदा होगा। यहाँ जो आसपास के रहने वाले लोगों के फ़ायदे के लिए और उनको जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल कराने के लिए हमने यहाँ एक दुकान खोलने का हमारी सोसाइटी में एक निर्णय किया और करीब एक साल से हम इस शॉप को चला रहे हैं। करीब 250 दवाइयों की हमारे पास एक लिस्ट है जो हमने डॉक्टर्स को भी दे रखी है और वो सभी पेशेंट्स को बिना जाति वर्ग भेद के, और चाहे वो हमारे हॉस्पिटल में दिखाए या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में दिखाए, अगर वो हमारे पास आते तो हम उनको निःशुल्क देते। पहले क्या था कि दवाइयाँ लिख देते थे डॉक्टर और जैसे हम सोचते थे कि कॉस्टली है तो नहीं लेते थे और वो रोग बढ़ता रहता था, हम अवॉइड करते थे कि भाई पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब क्या है, दवाई मिलती है और लेते हैं।